लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और असहाय लोगों को ही, आर्थिक संकट के साथ साथ जो खाने पीने की समस्या थी वह भी लोगों के सामने उत्पन्न हो गई। इसके बाद जो सामाजिक संगठन था वह सक्रिय हुआ और कई ऐसे भागलपुर में संगठन है जो लोगों की अभी भी सेवा कर रहे हैं। इसी में अगर इसी कड़ी में सबसे पहला नाम गौशाला समिति का आता है। गौशाला समिति के एक सदस्य मानव केजरीवाल जी आज हमारे साथ सिल्क टीवी पर मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि गौशाला समिति लॉकडाउन में लोगों को क्या सेवा दे रही है। धन्यवाद इनाम जी। सबसे पहले मैं एक सिल टीवी के माध्यम से सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि गौशाला समिति और हम सब उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, उस हर समाज सेवी का, डॉक्टर्स का, मीडिया कर्मी का, पुलिस कर्मियों का, जो इस ऐसी परिस्थिति में अभी जिस तरीके से हर कोई अपनी भागीदारी निश्चित कर रहा है और अपने अपने तरीके से जो भी हो सके, जो बन पड़ सके, अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, इसके लिए ये हम लोगों को मनोबल बढ़ाता है। इसके लिए हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और गौशाला समिति अभी पिछले 24 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद लगातार कोई ना सोए भूखा अभियान के तहत अभी तक 6000 से अधिक राशन पैकेट का वितरण कर चुकी है हर वार्ड में, जिसमें हम लोगों को प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला है। उनके द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार हम लोगों ने हर वार्ड में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और जिनके पास अभी राशन की दिक्कतें हैं, उन लोगों को हमने राशन पहुँचाने का काम किया है। फिर हमने उसके अलावा निशुल्क सामुदायिक भोजनालय के अंतर्गत अभी तक करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों को भोजन करा दिया है, क्योंकि वहाँ डेली इस समय अभी 1,000 लोग खाना खा रहे हैं, जिसका समय सुबह 11 बजे से 5 बजे तक का होता है और हर दिन वहाँ अलग अलग भोजन मिलता है। उसके अलावा हम लोगों ने अभी तक करीब 10,000 से ज़्यादा सैनिटाइजर और मास्क का पूरे भागलपुर में वितरण किया है। फिर उसके अलावा हमने COVID-19 जागरूकता अभियान के तहत कई वार्डों में जा जाकर सोशल डिस्टेंसिंग और उसके अलावा इससे जुड़ी हर बात को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो इस गौशाला समिति का ये पूरा कार्य हमारे महामंत्री गिरधारी केजरीवाल, हमारे प्रभारी मंत्री रोहित बाजोरिया, कोषाध्यक्ष अतुल ढांडनिया जी, इन सभी के नेतृत्व में और हमारे अध्यक्ष शहर के हमारे सदर अनुमंडल अधिकारी श्री आशीष नारायण जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और हम सभी सामाजिक संगठनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर दिन आकर हमारे गौशाला में हो रहे कार्यों को देखते हैं और अपनी सेवा प्रदान करते हैं, और इसी तरह से ये कार्य हमारा आगे भी जारी रहेगा। तो जिला प्रशासन और मारवाड़ी समुदाय की ओर से लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। इससे हम थोड़ा सा आपसे सवाल, एक दूसरा सवाल करते हैं कि मारवाड़ी समाज पर एक महिला नेत्री ने पिछले दिनों कुछ टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद आप लोगों ने 2 दिन राहत वितरण का काम बंद कर दिया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उन्होंने जो टिप्पणी की थी, हालांकि मैं उनके बारे में पहले ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन टिप्पणी होने के बाद उनके बारे में पता चला और वो टिप्पणी देखिए कहीं से भी सही नहीं थी। इससे मनोबल गिरता है, किसी के कार्य में बाधा आती है। तो उन्होंने, हालांकि हमारे जो विधायक हैं अजीत शर्मा जी ने माफ़ी भी मांगी है, तो ठीक है, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जरूरी नहीं था, मैं इसकी निंदा करता हूँ। बाकी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। COVID-19 का जिस तरह से प्रकोप बढ़ गया है बिहार में विशेष करके, उसको लेकर के आप क्या संदेश देंगे? देखिए, COVID-19 का जो प्रकोप बढ़ रहा है, ये बीमारी ऐसी है कि पता नहीं चलता है इसमें कि बीमारी किसको कब हो गई है, क्योंकि इस समय अभी काफ़ी मजदूर भी दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में ये हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो ऐसी परिस्थिति में जो दिन पर दिन जो ये संख्या बढ़ रही है, तो कम से कम हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि और इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ अभी कर नहीं सकते जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है। तो सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार काम करें, डिसिप्लिन में रहें, और आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं।
आप हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं, योजना घर भी चलाते हैं और आप एक बड़े कपड़ा व्यवसायी भी हैं। ऐसे में कपड़े का व्यवसाय लॉकडाउन में कहाँ तक प्रभावित हुआ है? देखिए, कपड़े सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी परिस्थिति है और अभी इसमें जो सरकार छूट दे रही है, इसमें अभी तक कपड़ा के मार्केट के लिए सरकार ने कोई भी तरीके की छूट और रियायत नहीं दी है, तो जिस कारण से कपड़ा व्यापारियों को दिक्कतें तो आ रही है, क्योंकि उनके यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी की बात है, और कई ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें रेंट पर हैं, उनको रेंट देने की बात है, तो वो कुछ खर्चे जो फिक्स हैं तो वो खर्चे तो उनके लगने ही हैं, तो ऐसे परिस्थिति में अगर इनकम नहीं होती है तो अभी दिक्कत हर व्यापारी को आ रही है, खासकर कपड़ा के मार्केट में। तो ऐसे में अभी ईद का मार्केट भी आ रहा है, तो कुछ रियायतों की हम उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि अब अगर रिटेल, अगर कपड़ा व्यापारी का कपड़ा बिकेगा तो ही वो साइकिल चलना चालू होगा, तो हम उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि कपड़े के मार्केट के लिए भी कुछ रियायतें किसी भी तरीके से, कोई भी फॉर्म में कुछ दे करके इस साइकिल को भी चालू करना चाहिए। एक सप्ताह बाद ईद का त्यौहार है और ऐसे में जो भागलपुर का जो बाजार होता था उसमें काफी चहल पहल हुआ करती थी, ईद के बाजार को और लॉकडाउन को जोड़कर आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो लॉकडाउन में ईद का एक ऐसा मार्केट है, ये इतना बड़ा पर्व है पूरे भारत में, और खासकर मैं भागलपुर शहर की बात करूं तो एक बहुत बड़ा पर्व तो है ही, साथ साथ ये कपड़ों के व्यापारियों के लिए भी एक पर्व है, क्योंकि पूरे साल में एक कपड़ों का जो व्यापारी होता है वो इस ईद के पर्व का इंतजार करता है, और पिछले साल तक तो मतलब आप समझिए कि हर कोई इस ईद के पर्व में पूरा जो बाजार रहता था इस तरह से पैक्ड रहता था कि मतलब इस तरह का कि चलने की जगह नहीं होती थी, तो ऐसे परिस्थिति में इस बार तो ईद का मार्केट हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब ऐसे में अगर अभी रियायत मिलती है तो ईद के कारण हो सकता है भीड़ बढ़ जाए, इस कारण से भी सरकार अभी कोई कपड़े के मार्केट पर जो है किसी भी तरह की रियायत नहीं दे रही है। भागलपुर में अगर बात करें तो कितना करोड़ का कारोबार लगता है कि ईद को लेकर के प्रभावित हुआ है? मेरे ख्याल से अगर हम कपड़े का व्यापार की बात करें तो ईद के टाइम कुछ भी नहीं तो मार्केट में 50 से 100 करोड़ के बीच का आकलन रहता है, और इस बार तो पूरा का पूरा मार्केट मेरे ख्याल से खत्म ही है। इन सवालों से थोड़ा सा पीछे हटते हैं, आप योजना घर चलाते हैं तो इस लॉकडाउन में योजना घर आपका कैसे काम कर रहा है? योजना घर हम लोगों के जो सदस्य हैं, अभी हर वार्ड में अभी सरकार ने जो राशन कार्ड के लिए एक प्रक्रिया चलाई थी कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उन लोगों को जो है राशन कार्ड दे दिया जाए, तो ऐसे में भी कई ऐसे लोग छूट जा रहे हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, तो ऐसे में हम जो है अपने सदस्यों के साथ पूरी योजना घर टीम हर वार्ड में जाके उन लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिसमें हमने अभी काफ़ी सारे वार्ड कवर कर लिए हैं और करीब काफ़ी सारे लोगों के फॉर्म्स हमने फिलअप करा लिए हैं, और अब हम बहुत जल्द, और ये प्रक्रिया अभी चालू है और अभी हम ये कर रहे हैं और हर दिन लगातार कर रहे हैं, और हम बहुत जल्द ये सारे फॉर्म्स जो है सीधा सदर अनुमंडल अधिकारी जी के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे इन सभी का राशन कार्ड जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए, ताकि आगे आने वाली परिस्थिति में इन सभी के पास अपना खुद का राशन कार्ड हो तो ये आत्मनिर्भर बन सकेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, इस आर्थिक पैकेज को आप कैसे देखते हैं? इस बार मुझे लगता है इस बार जो घोषणा हुई है वो अभी तक की सबसे बड़ी घोषणा है, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों के लिए है और छोटे छोटे रोजगार पैदा करने के लिए है, तो ये बहुत बड़ा फैसला था, तो मैं इसे पॉजिटिव ही देखता हूँ, क्योंकि मजदूरों की 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर देना उनकी मजदूरी, और उसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों को 10,000 रुपये तक का लोन देना ताकि वो छोटे छोटे अपने काम कर सकें, अपने घर चला सकें, और फिर उसके अलावा 2 महीने का राशन जिसमें 5 किलो चावल और 5 किलो दाल, इस तरीके से 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त का राशन देना, तो जो सबसे ज़्यादा इस COVID-19 के बीमारी के दौरान परेशान हुए हैं वो वर्ग है जो रोज कमाने खमाने वाले मजदूर हैं, तो उन लोगों के लिए जिस तरीके से इस पूरे
आत्मनिर्भर और इस पूरे जो योजना में सरकार ने ऐलान में जो किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और उम्मीद करते हैं कि इससे काफ़ी तरीके की बदलाव, देखिए बदलाव तो ऐसे भी लोगों के ज़िंदगी में आना है COVID-19 की वजह से। तो चलिए सर, इसी बदलाव पर हमें आपका एक छोटा सा संदेश ले लेते हैं चलते चलते, COVID-19 को लेकर के आप क्या संदेश देंगे शॉर्ट में? COVID-19 को लेके मैं यही कहूँगा कि देखिए अब बदलाव की ज़रूरत है आपको, अपने जीवन शैली में बदलाव की ज़रूरत है आपको, अपने आप को हर समय स्वस्थ रखने की, स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, और अब आपको चीज़ों को अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी अब आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली है। वैक्सीन आ जाएगी तो भी ये बीमारी आपके पास रहेगी, हालांकि वैक्सीन आने के बाद भी थोड़ा सा डर खत्म हो सकता है, पर बीमारी जैसी है कि आपको क्वारंटाइन तो होना ही पड़ेगा उस समय भी। इसलिए अपने चीज़ों में बदलाव लाएँ, अपने घर के आदतों में बदलाव लाएँ, खान पान में बदलाव लाएँ, और बाकी लोगों को इसी तरह जागरूक करते रहें। तो ये थे योजना घर के संस्थापक मानव केजरीवाल जी, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कोरोना का जो काल है, कोरोना संक्रमण है, उसमें कुछ दिन लोगों को और संघर्ष करना पड़ेगा और अपनी दिनचर्या में भी बदलाव लाना पड़ेगा। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से अपील करती है कि कोरोना वायरस का सम्मान करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी।